दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। लगभग हर 5 भारतीयों में से 2 भारतीयों को डायबिटीज की समस्या है, मतलब शुगर की। देखा जाए तो डायबिटीज खुद कोई भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन यह बॉडी के सभी पार्ट्स को धीरे धीरे बीमारी की ओर ले जाती है। जैसे कि मैं अक्सर देखते आ रहा हूँ कि हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स को आंखें, किडनी बीमारी, हार्ट की बहुत जल्दी समस्या हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली बीमारी को रोकने के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन और एक्सरसाइज का है, उतना ही इम्पोर्टेंट डाइट का ही है, मतलब खाना पीना कैसे खाना चाहिए शुगर वाले मरीज को। डायबिटीज के मरीज को नॉर्मल रूटीन लाइफ नहीं जी सकते हैं, इसीलिए उन्हें एकदम स्ट्रिक्ट डाइट लेना चाहिए। एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा परहेज ही आपको सुरक्षित रखता है। अगर शुगर की बीमारी आपको हो गई तो जिंदगी भर साथ आपका नहीं छोड़ती है। देखो, सुबह जब भी आप सोके उठते हैं तो सुबह 6 बजे 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच मेथी का पाउडर डालकर पीजिए। 7 बजे 1 कप शुगर फ्री चाय या साथ में 1-2 हल्के शक्कर वाली बिस्किट ले सकते हैं। नाश्ता या ब्रेकफास्ट में 1/2 कटोरी आकृति अनाज और 1 गिलास पानी, जिसमें बिना क्रीम वाला दूध आप सुबह खाने पर ले सकते हैं नाश्ते में। सुबह 10 बजे के बाद 1 छोटा फल या फिर नींबू पानी आप ले सकते हैं। दोपहर 1 बजे यानी लंच, मिक्स आटे की 2 रोटी, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1/2 कटोरी सोया या पनीर की सब्जी, 1/2 कटोरी हरी सब्जी और साथ में 1 प्लेट सलाद ले सकते हैं। देखो, सलाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप लंच या डिनर करने जा रहे हैं तो उससे पहले 1/2 घंटे पहले आपको 1 प्लेट सलाद ले लेना चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए, बहुत हेल्प करता है बीमारियों को रोकने के लिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल को या हार्ट के या डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत रामबाण माना जाता है। उसके बाद में आते हैं 4 बजे। देखो, शाम 4 बजे बिना शक्कर या शुगर फ्री के साथ 1 कप चाय और बिना चीनी वाला बिस्किट आप ले सकते हैं, या टोस्ट या 1 सेब वो भी आप खा सकते हैं। शाम 6 बजे 1 कप सूप पिए, ये बहुत ही फायदेमंद देता है अगर सूप आप लेते हैं। डिनर जो आप शाम के टाइम डिनर करना जा रहे हैं, शाम के टाइम अगर डिनर 2 रोटियां 1 कटोरी चावल, ब्राउन राइस हफ्ते में 2 बार आप ले सकते हैं, 1 कटोरी दाल, 1/2 कटोरी हरी सब्जी और 1 प्लेट सलाद, सलाद हर खाने के पहले आपको लेना चाहिए, 1 गिलास दूध जिसमें चीनी और क्रीम नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आपका शुगर रात के टाइम कंट्रोल में रहता है। एक खास हिदायत, शुगर के मरीजों को उपवास मतलब फास्टिंग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा भोजन के समय, मतलब कि जब भी आप लंच और डिनर बीच में, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बीच में आपको कुछ कुछ खा लेना चाहिए, इससे शुगर कंट्रोल में रहती है। रात के टाइम जो डिनर आप करते हैं, ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करना चाहिए और हल्का करना चाहिए। लंच आप ज़्यादा करना चाहिए। रोजाना इस डाइट चार्ट को फॉलो करने से के साथ ही बताई गई कुछ एक चीज़ें और इस्तेमाल करें। दूसरा, पिसा हुआ मेथी दाना 1 या 1/2 चम्मच खाना खाने के 15-20 मिनट पहले लेने से शुगर कंट्रोल में रहती है और इससे और भी कई पार्ट्स को फायदा होता है। घी और तेल का दिन भर में कम से कम इस्तेमाल करें। सभी सब्जियों को कम से कम तेल का प्रयोग करें। नॉन स्टिक कुकवेयर में पकाएं। पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। शुगर के रोगी को, मतलब जिन मरीजों को शुगर की समस्या है, खाने से लगभग 1 घंटे पहले अच्छी स्पीड पैदल चलना चाहिए और साथ ही व्यायाम और एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। शुगर के मरीज को प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, सोयाबीन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जिन मरीजों को डायबिटीज की समस्या है, वो टाइम पर
इंसुलिन अगर लग रहा है तो टाइम पे लेना चाहिए। सेकेंड, अगर मेडिसिन पे है तो मेडिसिन टाइम पे लेना चाहिए। तो डाइट चार्ट आपको मनाया बताया है वो आपको फॉलो करना चाहिए और अपनो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें अगर इन बीमारियों से बचना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, अगली वीडियो फिर मिलते हैं।